हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में स्वागत है। जब भी कभी हम छोले बनाते हैं, अगर थोड़े ज़्यादा हो जाएं, बच जाएं, तो हम क्या करें? चलिए शुरू करते हैं। थोड़े आलू बॉईल करें, थोड़ी चटनी बनाएं और टिक्की छोले बना लें। एक पैन में थोड़ा घी डालें, उसको गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 चम्मच बेसन का आटा भून लेंगे और उसको अच्छी तरह से धीमी आंच पर पका लेंगे। जब बेसन पक जाए तब हम उसमें एक चम्मच नमक और थोड़ी हल्दी डालकर अच्छे से फिर से पकाएंगे और इसमें 2 टमाटर प्यूरी करके उसमें मिला देंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे। टमाटर पक जाए थोड़ा सा तब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया और थोड़े कड़ी पत्ता मिलाकर उसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाए, सिक जाए, तब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे फिर से पकाएंगे और जो हमारे पास बचे हुए छोले रखे हैं उसको हम इसमें डालकर पकाएंगे। और इसको अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर थोड़ी धीमी आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम प्याज लंबे लंबे काट लेंगे और आलू को छील लेंगे, फिर इसमें मसाले डालेंगे, जैसे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा भुना जीरा पिसा और काली मिर्च, वो भी मिलाकर हम इन सबको हाथों की सहायता से मैश कर लेंगे। सारे आलू को अच्छे से मैश करके इसके अंदर हम 2 चम्मच मैदा मिलाकर अच्छे से इसको मिलाकर टिक्की बना लेंगे। गोल गोल करके टिक्कियां बना लेंगे और सारी टिक्कियां बनाकर हम तैयार कर लेंगे और गैस पर तवा चढ़ाकर उसमें हम देसी घी डाल देंगे। पहले आंच हम
तेज ही रखेंगे जब तक तवा गर्म हो, घी गर्म हो। फिर हम उसमें एक एक करके टिकिया को डालते जाएंगे। सारी टिकिया हम डालकर डाल देंगे और जब थोड़ी सी पकने लगे, कई बार हम जल्दीबाजी करते हैं तो जल्दीबाजी से टिकिया टूट जाती है। चलिए अब हम छोलों को देख लेते हैं। ये हमारे छोले रेडी हो गए, अच्छे से उबाल आ गया इसमें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक टिकिया को हम उलटते पलटते सेक लेंगे। धीरे धीरे करके इसको उलटाएंगे और दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। आराम से धीरे धीरे करके सारे टिकिया को उलट पलट करके सेक लेंगे। सावधानी से अगर हम नहीं निकालेंगे इसको, क्या थोड़ा सिम पर कम हीट में थोड़ा सिकने देते हैं, नहीं तो नीचे का जो है सिका हुआ हिस्सा वो ख़राब हो जाता है। तो जल्दीबाजी न करें, ना तो इस तरह से टिकिया हो जाती है। थोड़ा मध्यम आंच पर जब हम सेकते हैं तो टिकिया अपने आप से अच्छी सिकती है और बढ़िया बनती है, जल्दीबाजी करने से टूट जाती है इस तरह। अब इस टिकिया को हम देखो, थोड़ा सा समय लगाकर इसको छोड़कर सेकते हैं, उसके बाद इसको पलटेंगे। देखो इसमें थोड़ा कलर अच्छा आया है, तो मध्यम आंच पर जैसे जैसे हम उसको सेकेंगे तो उसकी टिकिया टूटेगी नहीं। पहले थोड़ा तेज करके थोड़ा सा इसमें और घी डाल देते हैं दूसरा तरफ सेकने के लिए, और फिर इसको अच्छे से मध्यम आंच पर ही सेकेंगे, सेकने देंगे। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो ये टिकिया हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम टिक्की छोले की तैयारी करते हैं। चलिए ये टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है, आ गई हमारी प्लेट और गर्मा गर्म जो हमने छोले बना के रखे हैं। अब हम उस छोले को इसके ऊपर डाल देंगे, गर्म गर्म छोले टिक्की के ऊपर, और फिर इसके बाद मीठी चटनी जो हमने बनाई हुई है, बहुत ही आसान है बनाना, टेस्टी चटनी। इसके ऊपर हम थोड़े प्याज डाल देंगे जो काट के रखे हैं, फिर उसके ऊपर हम नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च और बाद में अमचूर पाउडर। ये अमचूर पाउडर हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी मीठी चटनी इसके ऊपर और डाल देंगे। चलिए हमारी टिक्की छोले तैयार हो गए, खाने के लिए तैयार है। खाकर बताएं कैसी बनी। चलिए गर्मा गर्म टिक्की छोले तैयार हैं। जो हमारे उबले हुए छोले थोड़े बच गए थे उसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया। चलिए आप भी बनाएं और एंजॉय करें टिक्की छोले।